एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, इनके ही नाम जो है वो अभी भी सबकी जबान पर है। जी हाँ, और कितने करोड़ लोगों की जबान पर है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि जियो सिनेमा ने एक तरह से लोहा जो है वो मान लिया है कि भाई इन दोनों बंदों ने जो कमाल किया है ना, वो आज तक किसी ने नहीं किया। जी हाँ, बिग बॉस एक तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बन गया है, ओटीटी 2 ने बहुत बड़े रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। आईपीएल के बाद एक बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना हाई की हाईएस्ट व्यूअरशिप लाइव स्ट्रीम का, यहाँ से लाइव स्ट्रीम की बात हो रही है कि हाइयर व्यूअरशिप लाइव स्ट्रीम देखी गई है आईपीएल के बाद। जी हाँ, और अब आपको बताते हैं एक प्रेस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि जियो सिनेमा की तरफ से एक प्रेस स्टेटमेंट हुई जिसमें बताया गया कि इस प्लेटफॉर्म पर, एक तरह से बिग बॉस ओटीटी 2 पर, 245 करोड़ व्यूज़ इस शो को मिले हैं और 540 करोड़ जो वोट्स हैं वो मिले हैं इस शो में जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको, क्योंकि 280 मिलियन तो सिर्फ एल्विश यादव को ही मिले थे। लास्ट लाइव वोटिंग जब हुई थी 15 मिनट के जो लाइव वोटिंग में 280 मिलियन, 28 करोड़ जो व्यूज़ हैं, सॉरी वोट्स जो हैं वो मिले थे एल्विश यादव के, और एल्विश यादव ने ये बात रिवील की थी। और 2 मंथ के अंदर 540 करोड़ वोट्स जो हैं वो मिले हैं कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के घर में। और आपको और यही है कि इसमें हाईएस्ट व्यूवरशिप जो है लाइव स्ट्रीम द्वारा, लाइव स्ट्रीम जब होता था ये शो तब हाईएस्ट व्यूवरशिप भी मिली है आईपीएल के बाद, और 10 करोड़ से ज़्यादा जो है व्यूवर्स जो हैं वो आए हैं सिर्फ फिनाले के लिए। यूनिक जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने कोई इस शो का लाइव नहीं देखा, इस शो के किसी कोई कोई एपिसोड नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ फिनाले के लिए 10 करोड़ लोगों ने शो को देखा, और नियरली 3000 करोड़ मिनट्स ऑफ वॉच टाइम इस शो को मिला है, 3000 करोड़। अब आपको बताते हैं जहाँ पर स्टेटमेंट ये भी है कि महाराष्ट्र, जितने भी बड़े स्टेट हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब के सब बहुत बड़े स्टेट्स हैं, और यहाँ से कंट्रीब्यूशन जो है, वोट्स जो हैं, व्यूअरशिप जो है, ये सब इन सब जो स्टेट से बहुत ज़्यादा आई है। जी हाँ, तो ये है कमाल भाई, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हन, मनीषा रानी, इन सब का कमाल है, और इन्होंने जो कमाल किया है वो आगे वाले शोज़, क्या ये ओटीटी 2 का जो रिकॉर्ड है कोई आगे बिग बॉस जैसा कोई प्लेटफॉर्म या कोई और भी रियलिटी शो क्या कोई तोड़ पाएगा या नहीं, एक बहुत बड़ी, एक सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा कुछ हो भी पाएगा आगे इन फ्यूचर में। होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। अब 17 आ रहा है, देखते हैं 17 में क्या, कितने क्या मिलता है। आप सबका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।